तो आज हम जा रहे हैं कारुंजर की तरफ, और कारुंजर एक बहुत अच्छी माउंटेन है, माउंटेन का नाम है जहां हम जा रहे हैं सिंध में, तो वहां पे जाते हैं और एंजॉय करते हैं। पहले शारा फैसल पर हैं, अभी कराची से हम निकल चुके हैं, शारा फैसल से हम जा रहे हैं सीधा नेशनल हाईवे की तरफ, वहां से हम सीधा जाएंगे बदीन में हम स्टे करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट जो है ना कारुंजर की तरफ जाएंगे। आप हमारे सफर में ज्वाइन करें और हमारी वीडियो देखें, एंजॉय करें। ये देखें हमारे साथ करीम भाई, इरफान गुल है। तो हम जो है ना यहाँ पर रुके हैं, सीएनजी भर फिल करवा रहे हैं, और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर 50 रुपये कम है सीएनजी, 50 रुपये किलो कम है, बहुत चीप प्राइस पर मिल रही है आपको सीएनजी। 50 रुपये कम है, आपको मज़ा आ गया। 50 रुपये कम है, 50 रुपये कम है, और 350 की 50 में मिल रही है, 350 की 50 में मिल रही है। चलिए अब ये जो ना सीएनजी फिल करवा रहे हैं, अभी निकलेंगे यहाँ से फिर आगे। गोलाची से हम लोग जा रहे हैं बदीन की तरफ, अभी हम गोलाची क्रॉस किया है और ये अभी बदीन जाएंगे, वहाँ से पेट्रोल वगैरह फिल करवाना होगा तो करवाएंगे, उसके बाद जो है ना हम गांव जाएंगे, फिर गांव से हम लोग एक फ्रेंड है उसको उठाएंगे, एक कज़न है उसको उठाएंगे, उसके बाद जो है ना हम आगे कारुंजर की तरफ अपना सफ़र जो है कंटिन्यू करेंगे। तो ये है रोड और यहाँ से हम लोग अभी निकलते हैं। क्या कर रहे हो, मस्ती मस्ती छुट्टो, वाह। बताया था कि हम लोग गांव आ रहे हैं, वहां से हम अपने कज़न को जो है ना गाड़ी में पिकअप करेंगे, और कुछ सामान था वो भी उठाएंगे, उसके बाद चलेंगे। तो ये हमारी गाड़ी है, ये हमने यहां पे पार्क की है, और ये हमारा जो है कज़न है, ये हमारा दोस्त भी है, तो इसको जब हम इसको भी हम घुमाने लेके जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हो घूमने? कारुंजर इसको भी घुमाने लेके जा रहे हैं, और ये हमारा गाँव है, यहाँ पर आप खेत वगैरह चेक कर सकते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे जो है ना खेत हैं, और करीम भाई भी यहाँ पर आ रहे हैं हमारे साथ, और ये हमारा गांव में एक घर है, गांव में एक घर है हमारा, और गांव में पहले घर थे झोपड़ियों वाले, अब जो है ना ऐसे घर बन चुके हैं और ऐसी ही घर हैं अभी। तो ये हम अंदर आ गए, अभी हम यहाँ से सामान वगैरह पिक करेंगे, फिर जाएंगे सीधा कारुंजर की तरफ, फिर वहाँ पे एंजॉय करेंगे। गांव से हम लोग जो है ना निकल चुके हैं, अभी हम बदीन से बदीन जाएंगे, बदीन सिटी से हम जो है डायरेक्ट कारुंजर की तरफ जाएंगे। तो अभी जो है ना हम लोग निकल चुके, मैं आगे की साइड बैठा हूँ, पहले मैं कराची से हम लोग आ रहे थे बदीन, तो मैं पीछे बैठा था, इसकी रीज़न यही थी क्योंकि वहाँ पे कोई नज़ारा नहीं था, अब जो है ना सिर्फ नज़ारा होगा, पहाड़ वगैरह आएंगे, तो हम जो है ना रिकॉर्ड भी करेंगे और आपको भी दिखाएंगे, मज़ा आएगा। फारूक भाई को हमने पीछे बीच में बैठा दिया है, आप इंजॉय कर रहे हो अभी से, मज़ा आ रहा है आपको? कहाँ से आ रहे हैं? स्टार्ट हो चुका है, मतलब यहाँ से जो है ना रेगिस्तान जो है स्टार्ट हो चुका है, आप पीछे मेरे देख सकते हो भिट वगैरह जो है सामने हैं, और ये भिट हैं, ये हमारी गाड़ी है, ये इसमें आए हैं हम लोग, और रोड जो है ना काफ़ी बेहतरीन बना हुआ है थर की तरफ, आप भी अगर आते हो, रोड अभी जो है ना बेहतरीन है, पहले जो है ना रोड ख़राब थे, अभी रोड काफ़ी ज़बरदस्त रोड बने हुए हैं। करीम भाई भी जो है ना व्लॉगिंग कर रहे हैं, और मैं भी जो है ना व्लॉग बना रहा हूँ, और फारूक भाई आप यहाँ तक आए हो, आपने एंजॉय किया? हाँ, बहुत सारा एंजॉय किया। अभी आगे इंशाल्लाह बादल दिखाई दे रहे हैं, तो आगे बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि बारिश वगैरह होगी तो बारिश में ही मज़ा आता है कारुंजर जाने में, गर्मियों में वैसे मज़ा नहीं है, बारिश आएगी। हम लोग जो है फिलहाल मिट्टी सिटी में पहुंच चुके हैं, ये देखें मिट्टी सिटी भी जो है खूबसूरत रोड बने हुए हैं, यहाँ पर भी काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट आ गई है सिंध के रोडों में, और काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट आ गई है, इंशाल्लाह आगे भी और भी तरक्की करेगा सिंध। तो ये है मिट्टी सिटी जो आप लोग देख रहे हो, काफ़ी खूबसूरत, आगे भी चलते हैं, शहर भी आपको दिखाएंगे। अभी हम लोग जो हैं मिट्टी की भिट पर आए हुए हैं, ये जो ना भिट है जो पूरा शहर हमें दिखता है, यहाँ से हम अगर शहर देखें तो मिट्टी का जो तकरीबन जो है ना
पूरा शहर जो यहाँ से मिट्टी का दिखता है, आप लोग वीडियोस भी देख रहे होंगे। और ये एक टूरिस्ट पॉइंट है, यहाँ पर आपको झूले वगैरह भी देखने को मिल जाती है। और आगे आप देखते हो तो तफरी की भी जगह है, मतलब लोग यहाँ पर आते हैं, इंजॉय करते हैं, खाने पीने की भी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, जूस वगैरह, तो इंजॉय कर सकते हो यहाँ पर भी। इसलिए हम लोग इस बिट पर भी आए हैं इंजॉय करने के लिए। यहाँ से आप व्यू काफ़ी अच्छा है, सिटी का जो व्यू है ना काफ़ी ज़बरदस्त है। अभी हम लोग वापस की तरफ जा रहे हैं। ये जो है ना, हमने पूरा घूम लिया, फ़ोटो वोटो ले लिए, सब कुछ क्लियर कर दिया। अभी वापस जा रहे हैं हम लोग आगे कारुंजर की तरफ, तो वहाँ पर आपको मिलते हैं अब। तो गाइस, तो फ्रेंड्स, हम जो है ना यहाँ पर भिट के ऊपर आ गए और पेड़ की छाँव के नीचे जो है ना, वैसे छाँव है, धूप नहीं है, फिर भी पेड़ के नीचे हम बैठे हैं सुकून से, चटाई बिछा दी और खा रहे मानी, बिरयानी बनवाई है, वो जो है ना खा रहे। करीम भाई भी इंजॉय करेंगे, हम भी इंजॉय करेंगे, खाएंगे। इधर इधर जो है ना खाना खाने में अलग ही मज़ा है। और यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क किया है नीचे रोड पर ही खड़ी कर दी है। इधर जो है ना आप देख सकते हो बिट्टे हैं सारे हर जगह पे, बहुत इंजॉयमेंट वाला सीन है। खाना खा लिया है, अभी जो है ना हम लोग खाना खा लिया है बिट के ऊपर है, काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग माहौल है यहाँ पे, देखो बहुत ही मज़ा है यार। प्लीजेंट, बिल्कुल ही साउंड नहीं है, कोई भी मतलब शोर शराबा वैसे नहीं है, लेकिन गाड़ियों का है शोर शराबा वैसे, लेकिन वैसे मतलब सुकून वाला जगह है। तो यहाँ पे जो है ना काफ़ी सुकून से हमने खाना वगैरह खा लिया, अब रेडी हो गए, अब जो है ना दोबारा से गाड़ी में बैठेंगे और सीधा जाएंगे कारुंजर की तरह। मारवी का कुआं, सिंधी में इसको कुआं कहते हैं, बाकी कुआं वैसे उर्दू में कहते हैं। तो ये जो यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे लोग आते हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है। यहाँ पे जो लव स्टोरी थी, इस कुएं को यादगार बना दिया, ठीक है। अभी भी पानी इसमें है, थर में रेगिस्तान में आपको इसमें पानी मिलेगा, इतना बड़ा कुआं उस जमाने में बनाया गया है, आप खुद देख लो। जो है दोस्तों, हम लोग ये घर बने हुए हैं थर में, यहाँ पे म्यूजियम है, यहाँ पे म्यूजियम में कुछ सामान वगैरह होगा, वो देखेंगे अंदर जो है ना म्यूजियम में कुछ सामान पड़ा होगा पुराना जो है। मारवी का खू देखने के बाद हम लोग आगे सफर कंटिन्यू किया है कारुंजर की तरफ। ये है
हैं दोस्तों कालीनगर का चंबल, जहाँ पर हम लोग आए हैं अभी और यहाँ पे हम लोग खड़े हैं। आप देख सकते हो कितना बड़ा जबल है, इस पर जो है ना हाइकिंग करेंगे हम। जबल के ऊपर जो है ना हम लोग चढ़ेंगे, अब उसको हाइकिंग कहते हैं यहाँ पे कुछ मुझे नहीं पता, लेकिन अभी देखते जो होता है करेंगे, मतलब पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करेंगे जितना चढ़ सके, क्योंकि ऊपर का नज़ारा जो है ना बहुत ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह। तो देखते हैं ऊपर का नज़ारा कैसा है। वैसे कारुनगर का एक बात यह है कि हम जो आए थे ना, तो मैं कैमरा लेकर आया था, कैमरा यहाँ पर अलाउ नहीं है अंदर की तरफ, वहाँ पर मेरे से कैमरा ले लिया उन्होंने, अब जो मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये रास्ता कारुनगर पे चढ़ने का, बड़ी बड़ी जबल जो, और चढ़ चढ़ के हम जो है थक चुके हैं, सांस ही सांस आ रही है। पानी दुकान वालों हम लोग जो है ना वो वाइट वाइट कलर की घर है ना, वहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन पैदल आए, लोग खड़े हुए वहाँ पर, वहाँ से यहाँ तक पैदल पहुँच चुके। अभी पहाड़ थोड़ा सा बचता है, सांस देके कैसे फूल रही है, पहली मरतबा पहाड़ चढ़ रहे। इरफान यहाँ पे खड़ा हुआ है, इमरान वहाँ पे खड़ा हुआ है, ऊपर करीम चला गया। पहाड़ का 70% कंप्लीट हो चुका है, 70% हम चढ़ गए, आगे अभी 30% चढ़ेंगे, उसके बाद पूरा जो लुक है सिटी का, मतलब शहर का, कारुनगर का, या फिर किसी भी जगह का, इंडिया भी शायद दिखेगा यहाँ से, तो वो भी देखेंगे। इंडिया तो वैसे सेम ही होगा, लेकिन इंडिया होगा बॉर्डर, वो हमें दिखेगा, तो इंशाल्लाह वो भी दिखाएंगे। बाकी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि कितना ऊपर आ चुके हैं हम लोग, काफ़ी ज़बरदस्त व्यू आ रहा है यहाँ से। करीम भाई के पसीने छूट गए, मेरे भी पसीने छूट गए, ये देखिए कितना बड़ा व्यू दिख रहा है यहाँ। यहाँ पर हम जहाँ भी नज़र दौड़ाते हैं सारी खेत खेत हैं यहाँ पे, वैसे शहर वगैरह नहीं दिख रहे वैसे सामने, इस तरफ होंगे शायद, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों यहाँ पे बैठे हुए पहाड़ की चोटी पर, इधर भी पहाड़ है, उधर बारिश आ रही है। तो फ्रेंड्स ये है पहाड़ जिस पर हम चढ़ के आए, अभी हम नीचे जा रहे हैं कि ऊपर पता नहीं कितना है, बहुत थक गए अभी, नीचे जाने का मूड है, तो चलते हैं नीचे, और नीचे जो है ना हम लोग नीचे चलते हैं, फिर घर चलेंगे। वो पॉइंट है वो जो ये वाइट वाइट का पॉइंट है ना, यहाँ से हम लोग चढ़ आ रहे हैं, ये रहा कारुनगर। तो काफ़ी अच्छा मज़ा आया, अब चलते हैं नीचे। वीडियो मूड तो फ्रेंड्स हम जो है ना सीधा हमने कारुनगर घूमा, उधर से हम आधे पहाड़ से नीचे उतर के आए, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट हम सीधा बस घुमाया गाड़ी को, अभी जो है बदीन पहुंच चुके हैं सीधा। अभी यहाँ पे बदीन में खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं, अच्छी सी होटल है देख सकते हो आप लोग। अभी यहाँ पे हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद हम व्लॉग को करेंगे एंड, और आपके लिए आज का व्लॉग था इतना ही, उसके बाद हम कराची जाएँगे सीधा। तो मिलते हैं आपको फिर कराची में किसी और व्लॉग के साथ, तब तक देखते हैं, अभी खाना आएगा तो उसका भी आपको शॉर्ट दिखाएँगे इंशाल्लाह। ये खाना आ गया, अभी खाना खा रहे हैं, तो कढ़ाई हमने जो है ना मंगवाई है, और ये जो है ना और रोटी है साथ में, रोटी साथ में है, अभी खा रहे हैं ये लोग और हम भी खा रहे हैं। फिर खा के फिर स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, चलते कराची, फिर हम जो है ना व्लॉग को एंड कर देंगे।